हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर एक्साइटिंग वीडियो। पंजाब की बात चल रही है। लास्ट वीडियो मैंने पंजाब का एक मेडिकल कॉलेज है MBBS, वो कवर करा है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक और MBBS मेडिकल कॉलेज के बारे में बता रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया काउंसलिंग चल रही है, ऐसा नहीं है सारे राउंड्स हो चुके हैं, पर कुछ सीटें वैकेंट्स आती हैं तो उसके लिए अदर राउंड्स होते हैं। से वैकेंसी राउंड पंजाब का भी चल रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ जो मेडिकल कॉलेज है पंजाब का, ये फर्स्ट में मैंने कवर किया था आदेश यूनिवर्सिटी, अब इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ SGRD, श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अमृतसर। वल्लभ डिस्ट्रिक्ट के अमृतसर में ये कैंपस है। और बता देती हूँ आपको उसकी पूरी पहले हिस्ट्री थोड़ी सी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि कैंपस कैसा है, क्या हॉस्पिटल है, कैसा क्या OPD है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या कट ऑफ गई है 2023 में। 2024 वाले बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नीट का शेड्यूल आ चुका है, 5 मई को आपका एग्ज़ाम है 2024 में। तो उससे पहले आप अपनी कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है इतनी कट ऑफ पे, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, एंड में आपको कट ऑफ बताऊंगी। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। दिस वन ऑफ द सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है ये पंजाब रीजन में। सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है ये, जो स्टैब्लिश हो गया था 1997 में। और क्या हुआ था, SGRD इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर डिक्लेयर्ड बाय द पंजाब स्टेट एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2016। एस्टैब्लिशमेंट तो 1997 में हो गई है, पर जो पंजाब स्टेट ने एज अ यूनिवर्सिटी इसको वो कराए डिक्लेयर 2016 में। ऑन द बिहाफ, अब कैसे बना, किस क्या नाम रखा गया ये मैं आपको बता रही हूँ। ऑन द बिहाफ ऑफ 4th सिख जो थे गुरु श्री राम दास जी, दिस मेडिकल कॉलेज हैज बिन नेम्ड एज श्री गुरु रामदास जी मेडिकल कॉलेज। उनके नाम पे, जो 4th सिख थे उनके नाम पे ही ये कॉलेज का नाम रखा गया, श्री गुरु रामदास जी मेडिकल कॉलेज। MBBS की इनटेक है 150, PG भी रन करते हैं अच्छी खासी, 79-78 अराउंड सीट्स हैं इनके पास। एफिलेटेड 2016 तक था ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से, उसके बाद श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो गया, क्योंकि उन्होंने 2016 में इसको यूनिवर्सिटी वो कर दिया, तो इससे उसके बाद इसी से एफिलेटेड हो गए। अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज NMC and NCI बोथ। फैसिलिटीज की बात करते हैं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, हॉस्पिटल, लैब्स, ब्लड बैंक, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, लेक्चर, AC क्लासरूम्स, ये सब तो मैंने आपको बताया कि ATM एक प्राइवेट कॉलेज रन करने के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं। हॉस्पिटल 800+ बेडेड हॉस्पिटल है। OPD भी अभी 600-700 पर डे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग OPD है, कभी 1000+ भी कर जाती है, कभी 800+ भी हो जाती है। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेम जैसे आदेश है उसका, इनका भी फीस स्ट्रक्चर वैसे ही है, पर मैनेजमेंट और गवर्नमेंट का सेम है। फर्स्ट ईयर में आपको देना है 10,42,000 रुपीज़, 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर। सेकेंड ईयर में वही 11,47,000, वैसे थर्ड ईयर में इंक्रीमेंट करते हैं आपको देना है। अब बात करते हैं हॉस्टल की। हॉस्टल नॉन AC इनका जो है 16,500 पर ईयर है, इसमें भी सेम सिनेरियो है, इसमें 5% इंक्रीमेंट हो रहा है पर ईयर, नॉन जैसे आपको चाहिए डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आप AC वाला लेना चाहते हैं तो वो 26,000-26,500 का है, उसमें भी 10% इंक्रीमेंट हो रहा है हर ईयर। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंगली लेना है कि आपको कौन सा चाहिए, अपनी AC चाहिए, नॉन AC चाहिए, ट्विंस बेसिस चाहिए, सिंगल सेपरेट रूम चाहिए, वो सब आप पे डिपेंड करता है। और आपको बता दूँ फर्स्ट बैच जो इसका पास आउट हुआ है MBBS का 2002 में हुआ है, वो बहुत पुराना कैंपस है। सबसे मेन क्वेश्चन कट ऑफ 2023 की कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ, जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी। ओपन कोटा में गया था TA 314, ओपन कोटा में गया था SC 321, माइनॉरिटी पे ये गया है 419 पे। सेकेंड राउंड में क्या सेम हुआ, माइनॉरिटी ओपन गया है ये जनरल 405 पे गया है, ये कट ऑफ बहुत हाई गई है। उसके बाद ओपन कोटा में आप जाओगे SC में तो 172, ओपन कोटा स्पोर्ट्स पे जाओगे तो 307, ओपन कोटा में अगर आप जाते हो ओपन मतलब जनरल कैटेगरी का जो रहता है 525। ये थर्ड राउंड की मैं आपको बता दूंगा, आपको जानना है सीट्स है नहीं है, आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या क्या कुछ भी डाउट आता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या ऐसे हॉस्टल है, कैसा आप उसको आपको रिव्यू चाहिए कैसा कॉलेज है, तो आप मुझे, मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कभी भी। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, देखिए 2023 वालों को तो ऑलमोस्ट चीज़ें डन हो चुकी है, बट 2024 वालों के लिए चीज़ें अभी ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और 2024-23 में जिनका स्कोर लो था, जिनका मतलब बिल्कुल उनको कहीं भी कॉलेज नहीं मिला, तो निराश मत होइए,
हमसे कांटेक्ट एक बार कर लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे ट्राई करने की। और उसके बाद हमेशा से मैं कहती हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे चैनल, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके थैंक यू सो मच, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कॉल कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंस्टाग्राम फेसबुक और आपका ट्विटर लिंक्डइन सब पे हमें फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉलेज एडमिशन।